हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैसल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आप टेक हिंदी चैनल में। दोस्तों जो वीडियो है आज के इस वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब के पांच नए अपडेट के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। भाई ये जो अपडेट है क्रिएटर इंसाइडर चैनल पे आया है और जैसे कि मैं जो भी अपडेट आपको देता हूँ यूट्यूब का ही एक क्रिएटर इंसाइडर चैनल है उस पर से ही नॉलेज देता हूँ। तो ये जो अपडेट है भाई 12 फरवरी को ये अपडेट निकल के आया था, मैंने सोचा चलो इसके ऊपर जो अच्छे से एक्सप्लेन करके हिंदी में आप लोगों को बता दूँ। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो इस चीज़ का जो पाँच नए अपडेट है उसके अंदर क्या फीचर्स आए इस चीज़ का आप लोग नॉलेज ले पाएंगे। और दोस्तों आप लोग आए हैं मेरे चैनल पर नए तो चैनल कर लेना भाई सब्सक्राइब, साथ में कर लेना बेल आइकन प्रेस, रोजाना मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियो हेल्पफुल वीडियो यूट्यूब या फिर टेक कैटेगरी के रिलेटेड लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये जो अपडेट निकल के आई है ये YouTube बेटा वर्जन के लिए निकल के आई है। अगर आप YouTube बेटा वर्जन यूज करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, ये पांच अपडेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप लोग भाई क्लासिक वर्जन में यूज करते हैं YouTube को तो उसके अंदर जो ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और एक बात आपको ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये क्रोम ब्राउजर जो मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगा तो ये आप क्रोम ब्राउजर में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो है बीटा वर्जन का जो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मोजिला फायरफॉक्स जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देख लीजिए यहाँ पे अब मैं जो कुछ भी आपको प्रैक्टिकली तरीके से समझाऊंगा वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए ये जो मेरा है यूट्यूब जो ऊपर आप देख सकते हैं साइड में स्टूडियो बेटा इस तरीके से लिखा है, ये मेरा बेटा वर्जन में ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए अपडेट में क्या है। सबसे पहले तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा जो कि ये पहला अपडेट में से ये पहला जो फ्यूचर से निकल के आता है स्नैपशॉट रिपोर्ट। तो स्नैपशॉट रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपने जो लास्ट वीडियो डाली है उसका क्या इंप्रेशन पड़ा है और उसकी क्या रिजल्ट आई। देख लीजिए यहाँ पे वॉच टाइम आपको देखने को मिलेगा, व्यू एवरेज व्यू ड्यूरेशन। तो आप ऊपर ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट 16 आवर्स 46 मिनट में आपका वीडियो का क्या इंप्रेशन है, यहाँ से जो है आप सही तरीके से उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा अपडेट निकल के आता है नॉन यूट्यूब इशू, अब ये क्या है देख लीजिए। आप थोड़ा सा मैं नीचे स्लाइड करूंगा और यहाँ पे देख लीजिए नॉन यूट्यूब इशू इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं देख लीजिए, इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक में नॉट अपीयर ऑन मोबाइल, फिर उसका थंबनेल, फिर उसके बाद इनकरेक्ट, कुछ इस तरीके से तीन ऑप्शन उसमें दिए गए हैं। तो ये क्या है, तो यूट्यूब से जितने चलते इशू आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि थंबनेल, फिर बहुत बार होता है कि व्यू जो है व्यू दो तीन, जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो डाला दो व्यू आया है और उस पर लाइक की संख्या जो है 391 लाइक हो गया है। तो इस तरीके से जो इशू है यहाँ पे सारे कुछ शो होगा जो जो इशू यूट्यूब में चल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे नीचे इनकरेक्ट चैनल, इसको हम कर लेते हैं। तो इसको करने का यहाँ पे इशू का जो है सॉल्व हुआ नहीं हुआ वो पूरा शो होगा। तो देख सकते हैं ऊपर लिखा है दिस इशू हैज बीन फिक्स, यानी कि ये जो इशू था यूट्यूब के अंदर ये फिक्स हो चुका है। तो ये जो दूसरा अपडेट निकल का है यूट्यूब की तरफ से। और यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरी अपडेट की, तो बीटा वर्जन में जो तीसरी अपडेट निकल के आई है वो आई है क्रिएटर इंसाइडर जो चैनल है उसके रिलेटेड आई है। अगर वो जो भी वीडियो डालती है तो वो विजिट यहाँ पे आपको पूरा शो होगा, जो देख लीजिए आप कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्रिएटर इंसाइडर का। तो इन्होंने जो भी वीडियो डाला है यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में शो होगा। तो ये तीसरी अपडेट निकल के आई है। और चौथी अपडेट जो निकल के आती है YTA स्मार्ट हेडलाइन के रिलेटेड निकल के आती है। तो दोस्तों ये देख लीजिए इसके अंदर आपको देखने को ये मिलेगा रैंकिंग एंड आपने वर्क किस तरीके से करा है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, वीडियो पे इस साइड में जो वीडियो का आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है और उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुई है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको शो होना चालू हो जाएगा। तो देख लीजिए ये अभी लोडिंग हो रहा है, अब जैसे ही खुलता है फिर मैं आपको बताऊँगा करना क्या है। तो देख सकते हैं आप लोग ये मेरी जो है वीडियो ओपन हो गई है। अब यहाँ से जो मैं है एक वीडियो जो भी है सिलेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे मैं ये वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ आया भाई 20 ये 30 वाला, तो ये माय WD माय पासपोर्ट ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लिया हूँ। और जैसे ही ये ओपन होता है फिर जो अपडेट निकल के आई है उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, साइड में एनालिटिक है उसको क्लिक कर लेना है। पहले मैंने वीडियो सिलेक्ट करा उसके बाद जो एनालिटिक को सिलेक्ट करा। अब ये एनालिटिक को जैसे सिलेक्ट करा तो यहाँ पे देख लीजिए जो इंप्रेशन है सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऊपर आपको मिलेगा ओवरव्यू, रीच, व्यूअर्स, इंटरेस्टेड व्यूअर्स, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बिल्ट इन ऑडियंस, और उसके बाद एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलता है अर्नर रिवेन्यू आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे सिर्फ दोस्तों कि आप देख सकते हैं जो वॉच टाइम आपका 84 मिनट हुआ ये वीडियो का और व्यू जो है वो 30 हुए हैं, 30 व्यू हुए, 84 मिनट वॉच टाइम हुआ, सब्सक्राइबर इसमें बड़े नहीं है और यहाँ पे तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ तो यहाँ पे जो है शो नहीं हो रहा है। तो अब मैं नीचे क्लिक करूंगा, देख लीजिए ऑडियंस का जो रिटेंशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है
36.1% जो है रिटेंशन आपको देखने को मिलता है, लाइक डिसलाइक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आप जैसा जैसा व्यू देखेंगे तो व्यू का इंप्रेशन दिखेगा, सब्सक्राइबर आपको कुछ भी नहीं दिखेंगे। तो ये आपको मैंने बताया हूँ यहाँ पे YT ए स्मार्ट हेडलाइन के बारे में। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है, देख लीजिए रीच व्यूअर्स, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा है यहाँ पे YouTube बीटा वर्जन में रीच व्यूअर्स, यानी कि देख लीजिए ये जो वीडियो है मेरा 274 इंप्रेशन जो यहाँ पे वीडियो का पड़ा है 274 लोगों तक ये वीडियो पहुँचाया गया, और उसमें से जो क्लिक करे हैं वो 7.3% जो लोग हैं उन्होंने क्लिक करे हैं। और यहाँ पे जो व्यू है यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर उनके व्यू यहाँ पे 30 है, और यूनिक व्यू यानी कि यूनिक जो व्यूअर्स है जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है वो 28 लोग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू 30 और जो यूनिक व्यूअर्स है वो 28 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और हम धीरे से इस तरीके से अगर नीचे स्लाइड करेंगे तो ट्रैफिक सोर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च से जो है 48.9% मेरे को यहाँ पे मिला है, ब्राउज फीचर्स का 20% मिला है, एक्सटर्नल 20। अब यहाँ पे नीचे से स्लाइड करूंगा तो देख लीजिए ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में मेरे को कौन कौन से ऐप से जो है सोर्स मिला है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो फेसबुक से 91% है और व्हाट्सएप से 48% है, तो सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये मेरे को बहुत अच्छा देखने को मिला है कि ये आप साइड में देख सकते हैं जो कि आपको बताने वाला हूँ फाइनली रिपोर्ट एंड अप्रैल रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स और यूट्यूब सर्च आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रैफिक सोर्स जो यूट्यूब सर्च है यहाँ पे देख लीजिए, अब WD माय पासवर्ड 1TB रिव्यू ये मैंने टैग डाला था सब, तो ये टैग जो है 15% लोग ने सर्च करे, और WD पासपोर्ट ये 7% है, और यहाँ पे बेस्ट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इन इंडिया ये 6%। तो इस तरीके से सारा जो टैग का भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सारा कुछ मैंने आपको अपडेट यहाँ पे बता दिया हो, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए, पसंद आए भाई वीडियो कर देना, लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं राहुल जैसल आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।